और एक और जबरदस्त क्वेश्चन देखें, इस क्वेश्चन को देखो, फंक्शन देख के डर लग जाता है, फंक्शन थोड़ा भयानक सा है लेकिन कोई दिक्कत नहीं। फंक्शन कैसा, कंसिडर द फंक्शन जी एक्स, एक्स लेस देन जीरो पर ये अपन को फंक्शन गिवन है और एक्स ग्रेटर देन जीरो पर ये फंक्शन गिवन है, ठीक है, जहां पर ए पॉजिटिव है। खैर ए पॉजिटिव होना भी चाहिए, ए पॉजिटिव नहीं दिया होता तो भी हम लोग सोच सकते थे कि ए पॉजिटिव आएगा, क्यों भैया, क्योंकि यहाँ एल एन ए दो जगह आ रहा है तो ये वैसे भी नेगेटिव नहीं हो सकता। खैर फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड जी जीरो सो दैट द फंक्शन जी एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू जीरो। भाई जी जीरो का मतलब क्या है, जी जीरो वैल्यू ऑफ फंक्शन है, अगर फंक्शन को कंटिन्यूअस होना है तो जी जीरो वैल्यू ऑफ फंक्शन किसके बराबर होनी चाहिए, लेफ्ट हैंड लिमिट, और वही बराबर होना चाहिए राइट हैंड लिमिट। चलो कोशिश करते हैं, पहले ऊपर वाले को एवेल्युएट करते हैं, ध्यान देखो, अगर हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट निकालना चाहते हैं तो लेफ्ट हैंड लिमिट हमारे पास बच्चों क्या आ जाएगी, लिमिट एक्स अप्रोचेस जीरो, एक्स लेस देन जीरो, वन माइनस ए रेज पावर एक्स प्लस एक्स इंटू ए रेज पावर एक्स इंटू एल एन ए होल अपॉन ए रेज पावर एक्स इंटू एक्स स्क्वायर, याद ही निकल गए। चलो ठीक है, इसके अंदर x अगर जीरो को जाएगा तो a रेज पावर जीरो सीधे सीधे वन हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू हम वन रख देते हैं। बचे हुए पर चाहो तो अलजेब्रिक इवैल्यूएट कर लो, चाहे लॉपिटल लगा दो, मैं तो कहता हूँ सीधे लॉपिटल लगा दीजिए। तो अगर अपन को लिमिट निकालने से मतलब है, अगर एल हॉस्पिटल रूल अपन लोग लगा देते हैं तो बन जाएगा a की पावर x का डेरिवेटिव a की पावर x इंटू एल एन ए, जहां पर देखो प्रोडक्ट रूल लगेगा, x का डेरिवेटिव जब आप करोगे तो a की पावर x एल एन ए आ जाएगा, और जब a की पावर x का डेरिवेटिव करोगे x इंटू a की पावर x एल एन ए का होल स्क्वायर, और नीचे आपके पास 2x निकल के आ जाएगा, या a की पावर x एल एन ए की पावर कट जाएगा और यहाँ x से x भी कट जाएगा, तो x को 0 रखोगे तो a की पावर 0 1 हो जाएगा, तो ये चीज बन जाएगी एल एन ए का होल स्क्वायर बाई 2। ये हमने बड़े आराम से निकाल ली, क्या निकाली, लेफ्ट हैंड लिमिट, अब हम लोग निकालेंगे राइट हैंड लिमिट। चलो यहीं पर देखो राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट हमारे पास वापस है लिमिट एक्स अप्रोचेस जीरो, इधर देखो ये 2 की पावर एक्स इंटू ए की पावर एक्स लिखा हुआ है, कंबाइन कर दो भाई, ये पूरा का पूरा बन जाएगा 2 ए की पावर एक्स माइनस एक्स एल एन 2 माइनस एक्स एल एन ए माइनस 1। ओके, इसकी लिमिट हमको निकालनी है, मैं तो कहूंगा वापिस से एल हॉस्पिटल रूल लगा दें। चलो देखो, तो अगर वापिस से एल हॉस्पिटल रूल लगाते हैं तो क्या बेनिफिट होगा, देखो 2a की पावर x का 2a की पावर x इंटू एल एन 2a आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा माइनस एल एन 2 माइनस एल एन ए होल अपॉन 2x। अब बस थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है, देखो ध्यान से, ये एल एन 2 और माइनस एल एन ए है, ये दोनों कंबाइन होकर एल एन 2a ही बन जाएगा, तो यहां पर x अप्रोचेस 0 अपन एल एन 2a को बाहर ले लेंगे, तो यहां पर बनेगा 2a की पावर x माइनस 1 होल अपॉन 2x। अब यहां पर हम लोग यूज करेंगे स्टैंडर्ड लिमिट, किसका यूज करेंगे, स्टैंडर्ड लिमिट, देखो 2a की पावर 0 माइनस 1 अपॉन सेम 0 एल एन 2a, तो यहां एल एन 2a इसकी वैल्यू आई और एल एन 2a बाहर पड़ा हुआ है, बेहतरीन एल एन स्क्वायर 2a बाई 2। यहां तक गाड़ी पहुंच गई, अब आओ देखो LHL और RHL को पहले बराबर करते हैं फिर देखते हैं क्या हो सकता है। देखो जो हमारे पास LHL RHL की अगर अपन बात करें और LHL RHL को अगर हम बराबर करें, देखो LHL RHL को बराबर करने पर क्या मिलेगा, ध्यान देखिए, देखो यहां पर हमको गिवन है जो हमारा LHL निकल के आया है तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकल के आया है LNA का स्क्वायर 2 इज इक्वल टू, और राइट हैंड लिमिट हमारे पास क्या निकल के आया, राइट हैंड लिमिट निकल के आया है भाई साहब LN स्क्वायर 2a बाई 2, तो 2 से 2 काट दीजिए। अब LNA का होल स्क्वायर LN 2a का होल स्क्वायर का मतलब दो बातें हो सकती हैं, या तो LN LN 2 हो जाए या फिर LNA माइनस LN 2a हो जाए, ऐसा तभी होगा जब a इक्वल टू 2a इक्वल टू 0, नॉनसेंस, हो ही नहीं सकता, a ग्रेटर देन 0 है, डोमेन में ही नहीं है, यहां पर आ जाइए, यहां से LN 2a प्लस LN 2a इसकी वैल्यू 0 आ जाएगी, यानी LN ऑफ 2a स्क्वायर 0 आ जाएगा, यानी 2a स्क्वायर 1 आ जाएगा, a स्क्वायर हाफ आ जाएगा, तो a की वैल्यू या तो पॉजिटिव 1 बाई रूट 2 या a की वैल्यू नेगेटिव 1 बाई रूट 2, लेकिन नेगेटिव 1 बाई रूट 2 को हम रिजेक्ट कर देंगे, डोमेन में नहीं है, तो a की वैल्यू हमारे पास कुल मिला के निकल के आ गई 1 बाई रूट 2, तो प्रॉपर वैल्यू अब a कितनी आ गई 1 बाई रूट 2, तो a की वैल्यू तो निकल गई। अब g0, g0 बहुत आसान है,
जी जीरो लिमिट के ही बराबर है, ए की वैल्यू 1 बाई रूट 2 आ गई, तो हम लिमिट निकाल लें, एल एच एल या आर एच एल कोई भी लिमिट अगर अपन बात करें तो बन जाएगा एल एन 1 बाई रूट 2 का होल स्क्वायर बाई 2। तो यही होनी चाहिए आपकी जी जीरो। तो अपने को जी जीरो भी पता लग गया और ए की वैल्यू भी पता लग गई। कॉपी कर लो।